₹5 में मिलता है और आप इसको 10 से 15 रुपये में बड़े आसानी से बेच सकते हैं अगर होलसेल, क्योंकि चुनार के मार्केट में आपको मिलेगा होल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ जो कि दीपावली तक यानी मात्र 2 महीने में, अभी से लेकर दीपावली तक यानी सितंबर से दीपावली तक के बीच में आप चाहेंगे तो बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और डबल मुनाफा ट्रिपल मुनाफा होने वाला है। आज की जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, उसमें आप डबल मुनाफा कमा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें, कौन सा बिजनेस है, क्या है, कितने का है, कितना खर्च लगेगा, ये सभी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये दीपावली का मौसम आ रहा है और दीपावली के मौसम में जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, दीपावली पे गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ बहुत ज़्यादा बिकती हैं। गणेश और लक्ष्मी जी की कि देख पा रहे हैं, जैसा कि ये है गणेश और लक्ष्मी जी की। और आपको बता दूं दोस्तों कि इसमें अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूँ, ₹5 जैसे देख सकते हैं, ये ₹5 में मिलता है और आप इसको 10 से 15 रुपये में सकते हैं अगर आप दूर के हैं और ज़्यादा दूर से ले जाते हैं मूर्तियाँ को, तो आप 15 से 20 रुपये तक भी बेच सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये मूर्तियाँ जो 15 रुपये की है, आप इसको 30 रुपये में 40 रुपये में भी बेच सकते हैं बड़े आसानी से। मतलब इस बिजनेस से आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और ये जो मूर्तियाँ होती हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की होती हैं और होल सेल में, आपको बता दूँ होल सेल, क्योंकि चुनार के मार्केट में आपको मिलेगा होल सेल, चुनार के मार्केट में और भारत में बहुत जगह भी हैं ऐसे जहाँ पे मिलते होंगे। फ़िलहाल मैं चुनार का बता रहा हूँ आपको, चुनार जो कि मिर्ज़ापुर यूपी में पड़ता है, तो यूपी में मिर्ज़ापुर में चुनार पड़ता है, चुनार के मार्केट में आपको इस तरीके की मूर्तियाँ मिल जाएंगी कि भारत में हर जगह से लोग ले जाते हैं यहाँ से ख़रीद करके। अगर एक मूर्तियाँ अगर ख़रीदते हैं, मान लीजिए ये वाली मूर्तियाँ ख़रीदते हैं, तो ये मूर्तियाँ अगर 20 रुपये की मिल रही है तो आप अपने मार्केट में ले जाकर इसको 40 से 50 रुपये तक बड़े आसानी से बेच सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा मुनाफा है, नहीं डबल मुनाफा है इसके अंदर। मतलब मिनिमम की बात मैं कर रहा हूँ, अगर आप इसको ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी मार्जिन रख सकते हैं। लोग आसानी से लोग ख़रीदेंगे क्योंकि दीपावली एक ऐसी त्यौहार है, एक ऐसा त्यौहार है साल भर में एक बार आता है जो कि गणेश लक्ष्मी जी का स्पेशल पूजा होता है और मूर्तियां लेने में कोई झिकझिक नहीं करता है। आप होलसेल मार्केट में जाएंगे तो वहां पे देखिए इस तरीके से आपको मूर्तियां मिलेंगी और जैसे कि एक पेटी में लगभग 1500 से 2000, वो भी कैसे, जैसे छोटी मूर्तियाँ हैं तो आपको 1500 रुपये लग जाएंगे, थोड़ा बड़ी मूर्तियाँ ले लिए हैं उसमें 2000 रुपये भी लग जाएंगे, तो मैक्सिमम मान लीजिए आपका 2000 रुपये लग रहा है 2000 एक पेटी का। तो अगर वो 2000 रुपये में एक पेटी लिए हैं तो जाहिर सी बात है उसमें भाड़ा किराया भी लगा देंगे, तो 2000 से मान लीजिए 2500 रुपये आपका हो गया। 2500 रुपये अगर आप लगाते हैं तो आप इसमें 4 से 4500 रुपये कमा भी सकते हैं, मतलब बड़े आसानी से। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर 5 रुपये की मूर्तियाँ हैं तो आप सीधा उसको 15 रुपये 10 रुपये में बड़े आसानी से बेच सकते हैं, अगर कितना भी कम बेचेंगे तो 10 रुपये से नीचे तो बेच ही नहीं सकते हैं, 10 रुपये से ज़्यादा ही बेचेंगे, ठीक है। 15 रुपये से कम नहीं बिकता है खास करके दीपावली के समय में। तो यहाँ से अगर एक पेटी, दो पेटी, चार पेटी जो भी माल लेते हैं तो आप उसी से काउंट कर सकते हैं कि कितने रुपए का आपका मूर्तियाँ पड़ा और कितने में बेच सकते हैं। आपको मैंने जैसा कि पहले ही बता दिया कि अगर आप 20 रुपये की मूर्तियाँ ख़रीदते हैं तो आप इसको 40 से 45 रुपये 50 रुपये आराम से बेच सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा और ये बिजनेस आइडिया कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप लोग कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। क्या इसी तरह और भी बिजनेस की जानकारी आप लोग चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।